राम बंधु, आपके अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विशेष करके मनमोहक भजन गीत संसार सहित नए जुड़े हुए सभी सब्सक्राइबर का अभिनंदन है, जो अपने परिवार में पहले से हैं, जो नए आए हैं सबका स्वागत है। जो नए आए हैं पुराने वीडियो नहीं देख चुके इसलिए बार बार कई तरह के प्रश्न आते हैं, आना भी चाहिए। तो उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लिखने में बहुत टाइम जाता, बहुत व्यस्तता हमारी यहाँ रही है। और इस शहर राजस्थान की पावन धरती बूंदी शहर से आज हमारे प्रस्थान का दिन है, तो इसलिए हमने कहा वीडियो के माध्यम से सभी लोग उन प्रश्नों से लाभान्वित होंगे, इसलिए मैं उत्तर एक साथ में दे रहा हूं। शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा और निश्चित आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, शायद और भी अच्छी जानकारियां आपको प्राप्त हो सकती हैं जो आपके मन में चल रही होंगी। तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि हम अष्टमी का व्रत किस दिन करें, बहुत ज्यादा प्रश्न है। तो अष्टमी का व्रत बंधुओं 12 तारीख को करना उचित है और श्री राम नवमी का पावन पर्व 13 अप्रैल 2019 को है, तो हम 13 अप्रैल को मनाएं। अष्टमी नवमी दोनों का भी व्रत 13 अप्रैल को हो सकता है, पर जो माता जी के निमित्त विशेष व्रत करना है उनके लिए 12 अप्रैल को करना उत्तम रहेगा। अष्टमी के लिए हवन करना चाहते हैं तो 12 को ही करें और 13 को जो है माता जी और बाप जी दोनों प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस तरह से है और भी कई सारे प्रश्न आए हैं, तो सबका निचोड़ विशेष करके यही है कि हम हवन पहले करें या कन्या पूजन पहले करें। तो पहले पूजन हुआ, फिर हवन हुआ, फिर कन्या देवी का पूजन हुआ, उसके बाद में पारण हुआ। तो इन सारे प्रश्नों को लेने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले संतोष कुमावत जी ने पूछा है कि व्रत किस दिन खुलेगा, कैसे खोलें कन्या पूजन के बाद कि पहले। तो बंधुओं, जैसे सुबह पूजन करते हैं, पूजन किया, अगर राम जी के भक्त हैं, दोपहर में आपने राम जी का उत्सव मनाया, हवन किया, कन्या पूजन किया, उनको खिलाने के बाद में फिर आपने अगर केवल दूध पी के पूरा नवरात्रि रहें तो आपका फल खाने से भी आपका व्रत खुल जाएगा। अगर आप जो है आलू वगैरह खाएं तो रोटी अन्न खा करके जो माता रानी को भोग लगाएं, जो भी बने उस दिन कन्या को खिलाने के लिए मैया को भी भोग लगाना चाहिए, उसी भोग का एक अंश लेकर के ग्रास से आपका व्रत खुल जाता है। लेकिन अगर आप उत्तम मानेंगे तो मैं कहूँगा 14 तारीख को पारण करना उत्तम होगा, सर्वोत्तम होगा, और उत्तम तो आप 13 तारीख को भी पारण कर सकते हैं। इसके बाद आकांक्षा साहू बहन ने पूछा है, पाठ दोबारा किया, खंडित तो नहीं हुआ? जैसे बहन एक बार पाठ कर रही थी बीच में उठ गई, लेकिन उन्होंने शुरू से ही किया। तो जैसे हम अध्याय के बीच में हम पाठ कर रहे हैं तो हम माला जप रहे हैं, कोई भी इमरजेंसी हो गई, दरवाज़ा खोलना है, हमने माला बीच में छोड़ दिया, कोई बात नहीं, पानी गिरा करके नीचे माथे में लगा के उठ जाइए, दरवाज़ा खोलिए, आइए, लेकिन पुनः जो है स्टार्ट से प्रारंभ होगा, शुरुआत से ही फिर से कीजिए, चाहे अध्याय हो चाहे माला हो, वो खंडित नहीं होता और आपको ज़्यादा ही लाभ मिलता है। आते हैं अनुराग कुमार सिंह जी ने पूछा है, घर में मृत्यु हुई, पूजा घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो पूजा सामग्री का हम क्या करें? अगर पूजा सामग्री का आप सहित आपके परिवार के किसी लोगों ने इन 12-13 दिनों के अंदर छू लिया है, स्पर्श कर लिया है, तो फिर वो फेंक देने के योग्य है, वो किसी मंदिर में देने लायक नहीं है। आपने जो नवरात्रि के लिए पूजा सामग्री ला के रखा था उसको किसी ने छुआ नहीं था, तो पूजन सामग्री आप अपने प्रयोग में भी ले सकते हैं और मंदिर इत्यादि में भी, या किसी अच्छे ब्राह्मण को भी, या किसी भी जरूरतमंद या भक्त को दे सकते हैं। लेकिन अगर छू लिया है इस सूतका अवस्था में तो उसको बिल्कुल आपके उपयोगी नहीं रह गया या किसी के उपयोगी नहीं रह गया। प्रशांत पाठक जी पूछ रहे हैं, कन्या पूजन के बाद स्वयं पारण नहीं होता, कन्या पूजन 14 को कर सकते हैं क्या? हाँ, नहीं, 13 को करना उत्तम है बंधु, प्रयास कीजिए 13 को। अगर नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण तो आप 14 को कन्या पूजन कर सकते हैं। दूसरी बात, कन्या पूजन के बाद स्वतः पारण हो जाता है, ये गलत जानकारी आपको दी गई है, ऐसा नहीं है। हवन हुआ, कन्या पूजन हुआ, कन्या को खिलाया गया, ब्राह्मण भोजन हुआ अथवा उनके निमित्त निकाला गया, कोई बात नहीं है, उसके बाद में फिर पारण होता है। पारण होने से ही वो पूर्ण, मतलब आपका व्रत खुलेगा, जब तक आप मुँह में नहीं ग्रास नहीं लेंगे तब तक आपका व्रत चलता रहेगा, इसलिए पारण करना चाहिए। सागर जैन जी ने पूछा है, जो बोने का महत्व शास्त्रों में है क्या? शास्त्रों में ऐसा इस नवरात्रि के माध्यम से कोई विशेष महत्व नहीं है, जो अलग तरीके से महत्व है वो कभी मैं चर्चा करूंगा। ज्यादा जौ से दरिद्रता होती है और यहाँ जौ की खेती नहीं होती है, यहाँ पर जवारे जो है कलश के नीचे मिट्टी में मिलाए जाते हैं, इसलिए वो अपने आप मिट्टी से और जो और सप्त धान के संसर्ग से वो बढ़ जाते हैं, इसको हमको अलग से बोने की ज़रूरत नहीं है, उसी के बीचों बीच में कलश रखा जाता रहा है। और ये जो सप्त धान है हमारे जीवन के लिए, मनुष्य के, हर मनुष्य के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, किसी भी जीव जंतु के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। इसके बाद में
तो इसलिए इसको ये कोई यहाँ खेती नहीं करना है, आप उसी के नीचे रखिए, जम जाए तो बहुत बड़ी कृपा है, नहीं जम गया तो भी माता रानी की इच्छा। इसके बाद में विभोर गर्ग जी पूछ रहे हैं कि राम जी और माता जी का हवन साथ में कर सकते हैं? तो बंधु बिल्कुल साथ में हवन कर सकते हैं, तो कोई संदेह नहीं, माँ बाप तो साथ में ही हैं, बिल्कुल साथ में 13 को हवन कीजिए, और मैं कहूँगा 14 तारीख को पारण कीजिए, लेकिन कन्या पूजन वगैरह 13 को दोनों का हवन कर लीजिए, कन्या पूजन कर लीजिए, और पारण जो है 14 तारीख को करना उत्तम रहेगा। बंधु इसमें स्पेस कम है, तो अगली जानकारी में दूसरे वीडियो में।